अगर आप सच में देश को प्यार करते हो तो क्या आप फ्री में ये सब कर सकते हो? बताओ, अगर आपको हर महीने 25-30 हजार सैलरी नहीं मिलेगा तो फिर भी क्या आप देश सेवा करोगे? अरे आकाश, ट्रेन चला गया क्या? अरे नहीं नहीं, ट्रेन तो अभी तक आया नहीं। थैंक गॉड, मैंने तो सोचा ट्रेन मिस कर दूंगा। वैसे तो जा कहाँ रहा है? 2 साल से इंडियन आर्मी के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। आज उसका इंटरव्यू है, देखना दोस्त। इस बार जरूर एक फौजी बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। देश की सेवा करूंगा? तू सीधे सीधे बोलना, तुझे एक सिक्योर जॉब चाहिए अच्छे सैलरी के साथ। ये देश प्रेम का ढोंग क्यों कर रहा है? 1 घंटे से हम यहाँ क्यों खड़े हैं तुझे पता है? क्योंकि आज हमारा बॉस का बेटा आने वाला है। करियर फर्स्ट क्लास है मेरी, क्लास का टॉपर था मैं। फिर भी कभी मेरा बॉस आएंगे, कभी उनका बेटा आएगा, कभी उनका कुत्ता आएगा, तो हमको यहाँ के खड़ा होना पड़ता है। पर तुम लोगों का क्या, एक बार नौकरी लग गया तो लाइफ सेटल हो गया। कुछ करो या ना करो, महीने के एंड में मोटी रकम की सैलरी मिल जाता है। ऐसे नौकरी हमको मिल जाएगा तो हम भी कर लेंगे, इसमें देश सेवा कहाँ से आता है। सही बात है। एक्सक्यूज मी, इंडियन आर्मी के बारे में आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते हो। सॉरी सर, बुरा मत मानना, पर इसने कुछ गलत नहीं कहा है। इंडियन आर्मी के बारे में तुम लोग जानते भी क्या हो? जब कोई लाडला रात को 3 बजे पार्टी करके क्लब से लौट कर आता है, फौज का सपने देखने वाला, तो दौड़ लगाने जाता है। 45 डिग्री की रेगिस्तान हो या -45 डिग्री की बर्फ, हर जगह 24/7 पहरा देता है। जो जान देकर हमारे देश की हिफाजत करता है, आप लोग उसे इंडियन आर्मी के ऊपर उंगली उठा रहे हो। ठीक है, आप देश के लिए बहुत कुछ करते हो, मैं मानता हूँ, पर इसी के लिए आपको सैलरी भी मिलता है ना? अगर आप सच में देश को प्यार करते हो तो क्या आप फ्री में ये सब कर सकते हो? बताओ, अगर आपको हर महीने 25-30 हजार सैलरी नहीं मिलेगा तो फिर भी क्या आप देश सेवा करोगे? मेरे सवाल का जवाब दो। अरे तुम लोग अभी तक यहाँ खड़े हो? सर तो नहीं आए अभी तक। नहीं आए मतलब तुम्हारे सामने तो खड़े हैं। सॉरी सर, वो आपको देख सकते हैं। सॉरी सर, हम यहाँ हमारे बॉस करोड़पति रवि कुमार जी के बेटे को लेने के लिए आए थे ना। अरे यही तो है करोड़पति रवि कुमार जी के बेटे सोल्जर विजय कुमार। और तुम लोगों को ये लगता होगा कि एक करोड़पति बाप का बेटा ये जब कैसे कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जो पैसे से ज्यादा अपने देश को प्यार करते हैं, और इन जैसे बहादुर जवानों के लिए हम भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं। आइए सर, आइए। एक मिनट, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हर कोई 25-30 हजार के लिए अपने सीने पे गोली नहीं खा सकता। दिल में हिंदुस्तान बसता है उनके, जो देश के लिए मर मिटते हैं।